ना राम सबके थे, राम सबके हैं, राम सबके रहेंगे। और जो रामद्रोही हैं, जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जिनका हाजमा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि घोषित होने के बाद खराब हो गया है, वो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, हाजमा ठीक कराएं। प्रदेश सरकार में होने के नाते हम लोग अयोध्या में स्वागत करेंगे, और जो नहीं आएंगे भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें। बीजेपी को हराना है तो मायावती को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, तभी यह संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ गठबंधन है, उसमें जितने दल, जितने नेता, उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार, एक और दावेदार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी तक पर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो हर दिन अयोध्या के किसी न किसी गली सड़क पर सफाई करते दिख रहे हैं। अभी सफाई के बाद इन्होंने मंदिर में दर्शन किए हैं और इस वक्त हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। ये हर दिन जो सफाई आप कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि और तो कोई वैसे दिख नहीं रहा कि हर कोई सफाई कर रहा है। अयोध्या में सफाई अभियान चल रहा है, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरणा है। जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वहां स्वच्छता का पार्टी के द्वारा अभियान चलाया जाता है। शुरू पार्टी करती है, फिर पूरा समाज जुड़ जाता है। आज तो मेरे साथ यहाँ संत रविदास जी मंदिर के महंत जी भी मेरे साथ सफाई में लग गए, और अभी मुझे बुला करके आशीर्वाद दिया, और मैंने भी उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आकर के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का निमंत्रण भी दिया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि अयोध्या वह धरती जहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी, यहाँ ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया वाला यह स्थान है। यहाँ की धूल भी मस्तक में चंदन की तरह लगाने का सौभाग्य होता है, तो यहाँ स्वच्छता का अभियान चलाने का काम लगातार चल रहा है और आगे लगातार चलेगा। किशोर जी, एक बात है कि कहा यह जा रहा है कि इस बार जो निमंत्रण है वो सभी नेताओं को, विपक्ष के बड़े बड़े सभी नेताओं को दिया गया है। कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निमंत्रण देने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार न किसी को निमंत्रण दे रही, न किसी को बुला रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और 22 जनवरी को मुख्य यजमान के रूप में उनका आगमन हो रहा है, और उनके आगमन की प्रतीक्षा केवल अयोध्या और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश कर रहा है। कब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, कब विराजमान होने के बाद वहां प्राण प्रतिष्ठा होगा, कब कोटि कोटि राम भक्त दर्शन के लिए आएंगे, इसका इंतजार है। जो लोग निमंत्रण पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके लिए मेरा इतना ही कहना, राम सबके थे, राम सबके हैं, राम सबके रहेंगे। और जो रामद्रोही हैं, जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जिनका हाजमा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि घोषित होने के बाद खराब हो गया है, वो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, हाजमा ठीक कराएं। जैसे सपा के बहुत सारे बड़े नेता हैं, डिंपल यादव भी हैं, यहाँ तक कि शिवपाल यादव हैं, सबने कहा है कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। नहीं, राम के धाम में कोई बुलाता नहीं, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उस समारोह में देश भर के पूज्य साधु संत, कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया जा रहा है। दलों को भी मैंने सुना है आप सबके माध्यम से कि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण गया है, जिनको निमंत्रण गया है वो आएंगे, उनका प्रदेश सरकार में होने के नाते हम लोग अयोध्या में स्वागत करेंगे, और जो नहीं आएंगे भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें। अच्छा, मायावती की तरफ से कहा गया, उनके सांसद ने कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मायावती को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, तभी यह संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ गठबंधन है, उसमें जितने दल, जितने नेता, उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार, एक और दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में भी प्रधानमंत्री बने थे, 2019 में सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद भी प्रधानमंत्री बने थे, और 2024 में 400 पार और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश का प्रधानमंत्री बनाने का एक नारा देश में चल रहा है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, और अयोध्या में एक नारा चल रहा है, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। आपको लगता है मायावती भी कोशिश कर रही है उस गठबंधन में जाने? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कौन कहां जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक ही बात लगता है, हम लोग एक नारा पूरे देश में जो गूंजता है, घर घर में खुशहाली आए,
इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। आखिरी सवाल सर, तो एक सवाल और सर आखिर में, ये कि 14 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की ये दूसरी कड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो, नाम कुछ भी दे दें, लेकिन जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, कांग्रेस को अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस का न वर्तमान है अभी न भविष्य है। तीन राज्यों में अभी भाजपा सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बन चुकी है, जहां कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार साफ सफाई के अभियान में लगे हैं, लेकिन सियासत के बारे में अगर हम अयोध्या से जोड़कर देखें तो इनका मानना है कि अब जब राम सबके हैं तो कोई भी आए, लेकिन जिन लोगों ने कभी विरोध किया था आखिर वो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, यूपी तक।